हो ऐसी बागी कहानी हो आपकी, जो खींच दे अपने खून से किस्मत की लकीरें, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। अरे बाबू लो कहाँ भागते हो, डराओ ना। जब तक आपके पैकेट में पैसा है ना, तब तक पूछेगा मेरा बाबू सोना कैसा है। जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपना अपना होता है। जैसे आप किसी का, हम लोग का फैमिली फेस्टिवल ही होता है, तो वैसे ही ये लवर लोग के लिए वैलेंटाइन डे। अच्छा लवर, अच्छा गर्लफ्रेंड तो है, तो क्या क्या आपने क्या क्या सरप्राइज देने का प्लानिंग किया है? सरप्राइज कुछ नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड बाहर जा रही है। और सो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेल मैं हूं मुस्कान और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूं हमारे चैनल में, जिसका नाम है बिहारी मुस्कान। सो आप सबको पता है कि वैलेंटाइन का जो वीक है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो भी लव बर्ड्स हैं उनके लिए वैलेंटाइन डे बहुत ही खास होता है, बहुत स्पेशल होता है। तो उसी को पता करने के लिए कि आखिर पर्सनालिटीज के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रहा है, और खास करके जो सिंगल है उन्होंने क्या प्लान किया है वैलेंटाइन डे को लेकर के, तो आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर से NIT घाट पे, जहाँ पे हम पब्लिक का ओपिनियन लेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वैलेंटाइन डे को लेकर के। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, अगर आप लास्ट तक वीडियो बने रहते हैं, वीडियो को आपको पसंद आता है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, जाइए बिहारी मुस्कान ऑफिशियल पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। और चलिए देर ना करते हैं, फटाफट चलते हैं और लोगों से उनकी राय पूछते हैं। नाम आदित्य सिंह। आदित्य सिंह कहाँ से हो आप? पटना से है। अच्छा ये बताइए कि बहुत जल्द अब 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो क्या प्लानिंग है आपका वैलेंटाइन डे को लेकर के? बस ऐसे ही वैलेंटाइन बीतेगा और क्या। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? गर्लफ्रेंड तो है। अच्छा गर्लफ्रेंड तो है, तो क्या क्या आपने क्या क्या सरप्राइज देने का प्लानिंग किया है? सरप्राइज कुछ नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड बाहर जा रही है और क्या, जो बात है सोच लीजिए। देख लीजिए कहीं और तो वैलेंटाइन डे नहीं मना रही है ना, वो देख लीजिए आप। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप श्योर है ना? चलिए ठीक है, आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है वैलेंटाइन डे को लेकर के? वैलेंटाइन में सिंगल तो क्या ओपिनियन है, सिंगल का दर्द। ओफो, तो क्यों इसके पहले तो कोई गर्लफ्रेंड रही होगी ना आपकी? फ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद क्या, तो नया नहीं बना है अभी करेंटली में, तो नहीं बन पाया। तो सिंगल होकर के क्या बजरंग दल सोचे जाने का? नेक्स्ट ईयर पक्का सोचेंगे। अच्छा इस साल कुछ विशेष जो बजरंग दल नहीं जा रहे हैं आप? इस साल ट्राई करेंगे किसी को पटाने के लिए। तो अभी सिंगल है तो भाई ट्राई करेंगे पटाने का। जो मिंगल है उनका भी एक अलग दुख है कि इनकी गर्लफ्रेंड कहीं और जा रही है। वेल कोई बात नहीं, आई विश यू फॉर बेस्ट ऑफ लक यू बोथ गाइस। तो अच्छा ये बताइए कि वैलेंटाइन डे में ही इतना क्यों सेलिब्रेशन होता है, इतना ही क्यों एकदम शोर शराबा, टैडी डे, रोज डे, किस डे, हग डे, ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्पेशल डे है। जाहिर सी बात है, आप हर इंसान का अपना अपना होता है। जैसे आप किसी का, हम लोग का फैमिली फेस्टिवल ही होता है, तो वैसे ही ये लवर लोग के लिए वैलेंटाइन डे। अच्छा लवर लोग के लिए फेस्टिवल है, ओके। तो अभी आप अपने फ्रेंड के साथ मनाने वाले हैं वैलेंटाइन? यस मैम। चलिए अच्छा ये बताइए कि वैलेंटाइन डे का मतलब क्या होता है, क्यों मनाते हैं वैलेंटाइन डे? मैम इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा इतना नॉलेज नहीं है, ओके आइए उनसे पूछते हैं। आप बताइए ज़रा वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं हम लोग? सबसे पहले तो मेरा नाम सुमित राठौर हुआ जी। मैं जो वैलेंटाइन डे ये सब पे बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक ना। जब तक आपके पैकेट में पैसा है ना, तब तक पूछेगा मेरा बाबू सोना कैसा है। ओहो क्या बात है, एकदम नो मनी नो फन फनी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही उचित जवाब दिया है आपने। तो आपकी गर्लफ्रेंड है? नो कोई गर्लफ्रेंड उलफ्रेंड, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, गरीब हैं? नहीं गरीब नहीं, गरीब वो होता है कि जिनका हाथ पैर नहीं होता है, जिनका वो होता है पूरी तरह से जो लाचार होता है वो इस दुनिया में गरीब है। गरीब जिनको कमाने का सक्षम है, पैसा कमा रहा है, तो वो गरीब। आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है अभी तक? क्योंकि मैं उस पर अभी तक ध्यान फोकस नहीं किया, मेरा BPSC का एग्जाम है 12 तारीख को, तो अभी आज पढ़ रही से थोड़ा सा बोर हो गया था, आज फील्ड पे घूमते घूमते आ गया। क्या बात है, पढ़ाई से बोर हो? अरे बाबू लो कहाँ भागते हो, डराओ ना। ध्यान लगाना, गौर फरमाना, वो मेरे दीवानी एन दीवाना। कहते हैं ना कि परंपरा से बगावत हो तो हो, परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी कहानी हो आपकी, जो खींच दे अपने खून से किस्मत की लकीरें, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। भाई साहब क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। चलिए आप उम्मीद है कि जल्दी से जल्द आप BPSC अपना क्लियर कर लें, फिर गर्लफ्रेंड घुमाइएगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछने आएंगे, ठीक है? और अगर बोलना चाहेंगे तो और बोल सकते हैं। एकदम बोलिए ना एकदम। तो एक शायरी, और हमारे जितने भी युवा जो है, हमारे जितने भी एक पढ़ने वाले जो तैयारी करते हैं SSC, रेलवे, जो भी कंपटीशन में जो होते हैं, जो जिनके माता पिता के सपनों का साकार होता है ना, वो पूरा करने के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट लेवल बोलेंगे, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है,
समा परवाने को जलना सिखाती है। क्या गिरने वालों को होती तो है तकलीफे, पर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। ओह क्या बात है, कितनी ठोकर खाया है आपने? कोई ठोकर नहीं खाए हुए, बस मत अपनी गलतियों से जो है कि उनको मैंने सुधार किया। अच्छा गालिब जी ये बताइए कि आप सुमित राठौर, गालिब आप जो इतना शायरी बोल रहे हैं तो गालिब जी का याद आ गया मुझे। गालिब जिंदा होते तो आज रेल जो के प्रपोज डे पे कुछ याद आ गया। आज तो टैडी डे है, जो हमको नहीं पता टैडी डे पैडी डे क्या होता है। आज रोज डे पे आज गालिब बन गए हैं, एनआईटी में आएंगे तो गालिब मिलेंगे आपको। जी सुनिए, इसी माहौल के अवसर पे एक बोलना चाहेंगे। इशाद हम गए थे उनके घर, अभी तक नहीं गए किसी घर, मतलब गौर फरमाइएगा, बस फरमा लीजिएगा। हम गए थे उनके घर रेड रोज लेकर, यानी गुलाब लेकर, ये कहने कि तू अपन दिल हमरा के देबू का, तू अपन दिल हमरा के देबू का। हम उनके घर गए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खटखटाए, इतने में निकल गई आंटी जी। हम देख के घबरा गए, बोले ये चाची, बोले ये चाची 2 रुपया में गुलाब लेबू का। क्या बात बात, तो चाची जी गुलाब ली। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। अरे बुड़वा ललवा, हमारा नाम है, ताली बजाना आप लोग का काम है। जो इस फील्ड में है, जो इसका चैनल है, इनको सपोर्ट कीजिए बेहतरीन तरीका से, ठीक ना? इनके लिए, भाई साहब के लिए एक सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो बनता है, जरूर कीजिए। हम लोग सिंगल लौंडे हैं तो वैलेंटाइन डे क्या मना सकते हैं? अरे पटना में मिंगल लोग नहीं दिख रहे हैं क्या? सब सिंगल लोग ही मिल रहे हैं मुझे आज। मतलब ऐसा तो नहीं कि फैमिली के डर वाले से छुपा रहे हैं आप? नहीं नहीं, फैमिली डर से क्या छुपाएंगे? देख लीजिए, अगर गर्लफ्रेंड ने देख लिया ये वीडियो तो दिक्कत हो जाएगा। अरे इससे देखा तो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो और अच्छा है। तो चलिए, जो सिंगल लड़कियाँ हैं वो आप अपना इंस्टा बता दीजिए। अब फंसे, ठीक है बता दे, अनिकेत यादव। अनिकेत यादव से इनको आप सर्च कर सकते हैं, जो भी सिंगल है। आप बताइए क्या प्लानिंग आपका वैलेंटाइन डे को लेकर के? वही सेम हाल है हम लोग, बस यही एनआईटी दूसरे को देखेंगे और क्या। हो मतलब बजरंग दल ज्वाइन करने का नहीं सोचा है क्या? सोचा है, पर कोई कंपनी देने वाला चाहिए ना, अकेले ही करेंगे तो हम कोई बगल में है तो साथ में खड़े आपके नहीं करेगा ये। अभी भाग रहा था। अच्छा ये बताइए कि जो वैलेंटाइन डे मनाया, कभी मनाया है आप वैलेंटाइन डे? कभी नहीं मनाया है, स्टार्टिंग से सिंगल रहे हैं क्या? चलिए बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एनआईटी में आज सिर्फ सिंगल लोग ही मुझे मिल रहे हैं। और चलिए कामना करती हूँ कि इस वैलेंटाइन डे कोई आपको मिल जाए ताकि आप भी वैलेंटाइन डे मना सके अपना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज क्या है ना कि अधिकतर लोग मुझे सिंगल मिल रहे हैं, और जो लोग मिंगल भी मिल रहे हैं ना तो वो लोग पता नहीं क्यों अपने फैमिली के डर से या व्हाट, वो बोलने के लिए रेडी नहीं है कैमरा के सामने। चलिए पर कोई नहीं, आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख करके। अगर मज़ा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर अभी तक आप एनआईटी घाट नहीं आए हैं तो पटना में रह करके एनआईटी घाट आप नहीं आए हैं, मतलब बहुत बड़ा चीज़ मिस कर देंगे। आप ज़रूर आइए पटना के एनआईटी घाट। यहाँ पर ना मतलब मैं बहुत टाइम आई हूँ, एक टाइम था जब मुझे, मेरे लिए बहुत ये मेरा फेवरेट प्लेस होता था, अगर मुझे कभी शांति की ज़रूरत होती थी तो। लेकिन अभी शांति थोड़ा सा अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा ठीक ठाक डुंग डांग ये सब आवाज़ जो है वो आ रही है। बट एनआईटी में ना पूरे वॉल पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग किया गया है, जो देखने में वाकई बहुत कमाल का है। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो में बने रहिए, और चलिए आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपना का ख्याल रखिए।